दोस्तों विंटर्स का टाइम शुरू हो गया है और विंटर में एडेनियम की केयर थोड़ी टिपिकल हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा एडेनियम विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे तो ये वीडियो देखते रहिए। सर्दियों में एडेनियम्स का डोरमैट पीरियड शुरू हो जाता है। इस पीरियड में इनकी सारी लीव्स येलो होकर गिर जाती है और फ्लावर्स भी। देखिए जैसे इसमें सारी इसकी लीव्स गिर चुकी है, ऐसे ही बाकी एडेनियम्स में भी ये लीव्स येलो हो रही हैं। और ये दोस्तों अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री या 13 डिग्री से नीचे जाता है तो आप इनको अंदर ही रखिए, बाहर ना निकालिए। और अगर आपके पास मेरी तरह बहुत सारे एडेनियम हैं तो आप इनको सबको एक साथ रखिए और इन पर एक प्लास्टिक कवर डाल दीजिए ताकि ये कोल्ड से बचे रहें। दोस्तों विंटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनकी वाटरिंग का। देखिए दोस्तों वाटरिंग तभी करें जब ये इनकी ये जो सॉइल होती है ये पूरी सूख जाए। देखिए जैसे अभी ये गीली है तो अभी जब तक ये पूरी सूखेगी नहीं तब तक हमें इस पर वाटरिंग नहीं करनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये वाटर इसमें रुक जाता है जिससे इनकी ये जो कॉर्डेक्स होती है ये सॉफ्ट हो जाती है। दोस्तों सर्दियों के टाइम पे इन पर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ना करें। जैसे अगर आप इन पर NPK या फिर और भी कोई फर्टिलाइज़र लगाते हैं तो सर्दियों में इन सब चीज़ों का अवॉइड करें। दोस्तों जब भी बाहर सन निकलता है या फिर सनशाइन आती है या फिर थोड़ी सी धूप आती है हल्की, तो आप इन सबको निकाल के थोड़ा बाहर रख दीजिए क्योंकि धूप लगना इन पर बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी चेक कर लीजिए कि इनकी ये जो सॉइल है ये पोरस रहे, जैसे इसमें सैंड मिली होनी चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ और भी होती है कि जैसे हम पोरस सैंड पे या फिर सॉइल पे एडेनियम की पानी डालते हैं तो यह गड्ढा हो जाता है, ये सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ऐसे ग्रेवल्स या फिर छोटे छोटे स्टोन्स रख सकते हैं जिससे ये मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपके एडेनियम की ब्रांचेस बहुत बड़ी हो रही है, जैसे इसमें बहुत बड़ी हो रही है और बाकी पीछे भी मेरे बहुत सारे एडेनियम्स हैं उसमें भी बहुत बड़ी हो रही है, तो आप इनको इस टाइम पर कट कर सकते हैं। आपको एक पीरियड बनाना चाहिए कि हाँ कि अब सर्दियों में मेरे को इस टाइम पर इसको कट ही करना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।